Good afternoon, friends. Let us this time discuss about the standard format of a standard report. Aji ame kote report or report of any program, either it can be some training program, either it can be certain seminar, workshop or a project. ई सब को आखि आगे रखी गोटे स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट रो फॉर्मेटटा केमती हेई पारिबो ता उपरे टिके डिस्कशन करिबा. अगेन व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट रिपोर्ट इट बेसिकली कनेक्टेड विथ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स बिकॉज रिपोर्ट्स आंसर सर्टेन डब्ल्यूएस क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल व्हाई इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, how it happened. So these types of questions are basically addressed through a report. Again, when we are speaking about report, it is not same as an essay, because when we are speaking about an essay, it may be containing some sort of imagination, it may be containing some sort of ornamental language, jargons. So these things may be in an essay. But when we speak about it, when we speak about a report, it has also got its own characteristics, which I have already discussed in my previous video. So today, basing on these discussions, we will be discussing the format of a standardized report. It may be any program, it may be fitting to some awareness-based activities, it may be a training program, it may be a workshop, it may be a seminar, or it can be a progress report, or it can be a project progress report. Tenu konosi prakar report ko ame jodi akhi age rakhiba tahale goti standardized format ko jodi ame discussion bhitar ko noba tahale se standardized format ta rahe ko ko jins mukhyata आसीबो जे कोनसी प्रकार प्रोग्राम को नेके रिपोर्ट को था आलोचना होना काहे देखम तो सर्वप्रथम कोन आसीबो सर्वप्रथम आसीबो रे इंट्रोडक्शन एनी रिपोर्ट ट्रेनिंग रिपोर्ट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट सेमिनार रिपोर्ट वर्कशॉप रिपोर्ट ब्ला ब्ला ब्ला. ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन और यू कैन आल्सो पुट द बैकग्राउंड बुझौछि ता माने कोन जे रीडर हबो ही मस्ट नो सर्टन थिंग्स आर ही मस्ट हैव सर्टन नॉलेज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरवेंशन बैकग्राउंड. सो दैट इज कमिंग आल्सो अंडर इंट्रोडक्शन. सेकंड पॉइंट ता कोन हबो ना ऑब्वियसली जे कोनसी गुटे कार्यक्रम हम करूचंती त एउटा लक्ष्य रहिथिबो आ एठी भी म स्पष्ट करूछि रिपोर्ट ता लेखा लेखा जीबा समय होउछि सेइटा जेते बेले कामटी सरी जाइछि वर्क डन एंड थिंग्स विल बी रिपोर्ट. इज इट क्लियर? त आपण जेते बेले ऑब्जेक्टिव सेट करिवे सेठे भी स्पष्ट करंतु व्हाई दैट प्रोग्राम वाज अंडरटेकिंग. से सेमिनार टी जदि होतला कोन पई होतला, से ट्रेनिंग प्रोग्राम जदि होतला कोन पई होतला, से प्रोजेक्ट जदि होतला कोन पई होतला, इवन जदि बा सेठि किसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होतला काहे कि होतला सेटा रहिला कोन तर ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड पॉइंट कोन आसीबो सुनतु ऑब्जेक्टिव्स को आखि आगे रखि कि आमे कोन प्लान करंती ना आमे इटे प्लान करंती मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी टा कोठि बेसी एप्लीकेबल होबो ना जदि आपण गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम करूचंती ता पई गोटे मेथोडोलॉजी आपण को रहिबो बा जदि आपण गोटे रिसर्च काम करछन तर मेथोडोलॉजी रहिबो. जदि आपण किछि गोटे प्रोजेक्ट इंटरवेंशन को हाथ को नै छन सेटि मेथोडोलॉजी लेखिबा एते एप्रोप्रिएट होबो नै. यू मे बी पुटिंग द स्ट्रेटजीज द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजीज. क्लियर? सो इट आइदर इट मे बी मेथोडोलॉजी और इट मे बी स्ट्रेटजी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कोन आसीबो ना स्ट्रेटजी को देखि कि बा मेथोडोलॉजी को देखि कि एक्टिविटीज टा जोथि पई ए सब जिंसर रहुच आवश्यकता कौन कौन काम सब
जदि से गोटे प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है से मस भितर जहाँ जहाँ काम होती लिखा पड़े जदि से गोटे फॉर एग्जांपल आपणकर इफ 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 इट इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम्स से जहाँ जहाँ काम होती बा केमती आपणकर प्रोग्रामा परिचालित है भी आपके लिखिपर एंड बेसिकली जिते बहुत एक्टिविटीज डन वी आर रेफरिंग टू द प्रोजेक्ट और एक्शन बेस्ड इंटरवेंशन क्लियर सो आफ्टर एक्टिविटीज पर कौन हम जेकोसी कम कर मानते तार गोटे कि फल फली थी ओबियसली देर विल बी सम आउटकम्स जदि से रिसर्च होता है आप लिखिपर फाइंडिंग्स जदि एटा गोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तार भी आउटकम्स अच्छी जदि भी एटा गोटे फॉर एग्जांपल सम सॉर्ट ऑफ सेमिनार होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है तार भी किसी आउटकम्स रहा रहा अंडर आउटकम्स लास्ट पोर्सन टा कौन आसो ना ओबियसली आपर जेहेत इंट्रोडक्शन टा लिखुं लास्ट आइटम आसो कनक्लूजन सो कनक्लूजन भितर बेसिकली आप जिन पुट करेंगे ना आप जिन पुट करेंगे जे प्रोग्राम रे कौन कौन लिमिटेशंस गुड़ा आसीगला एवं ए लिमिटेशन को जदि ओवरकम करा जाई पारि थांदा ताहाले प्रोग्राम आहुरी सक्सेसफुल होई पारि थांदा सो दीज आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट इज इट क्लियर एंड द बेसिक थिंग हियर इज वी आर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज आफ्टर एक्टिविटीज आर अंडरटेकन we are reporting so after that intervention someone is interested to know what happened why it has happened where it has happened when it has happened because these sort of questions will be raised in someone's mind so he may be the funding organization he may be the government bodies he may be the so-called beneficiaries, so they may be the so-called customers of that report. So these are some of these basic ideas or the basic components of a standardized report. So in our next video, we will be picking up specific interventions. On the basis of that specific interventions, we will be discussing the concern reports. So I hope through these discussions, we are some way enriching the knowledge of our students, and we hope they will get a clear-cut idea about different things happening in the NGO world. So ultimately, I must say, have a good day.